और ये सब देखिए भाई, कॉलेज करने आते हाँ। और भाई ये है दरभंगा का फेमस भाई, ये जो आपको है यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेगा। लेकिन ये लाल किला भाई सोचिए दरभंगा में है, या इंद्रलोक कह सकते हैं भाई। इसमें नृत्य होता है भाई। हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में भाई। सो भाई देखिए, आज हम आए हुए हैं दरभंगा और घूमने के लिए है भाई दरभंगा महाराज का किला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने इतिहास काल के लिए, जो कि भाई काफ़ी पुराना है। 1907 में भाई दरभंगा महाराज का जन्म हुआ था 17 नवंबर को, और भाई 116वां दिवस अभी मनाया गया था 17 नवंबर 2023 को भाई। सो अभी आपको दिखाएंगे पूरा व्यू भाई, कितना बड़ा एरिया में फैला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी उसी के अंदर है, जो कि भाई मिथिला यूनिवर्सिटी है भाई। और इस तरफ से देखिए अभी एंट्री द्वार है, और ये सब देखिए भाई, कॉलेज करने आते हैं हाँ। और भाई ये है दरभंगा का फेमस बालशाही। क्या रुपया पीस है भैया? 6 रुपया पीस है, खाने में अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, 6 रुपया एक पीस का दाम है, अच्छा लग रहा है, खाइए। और भाई ये जो आपको है यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, बालशाही है। 6 रुपया में आपको रसगुल्ला का स्वाद मिल रहा है भाई, और आपको क्या चाहिए भाई, एकदम छना जैसे लगता है खाने में भाई। और इधर देखिए एकदम रील्स बना रहा है, लीजिए खा लीजिए आप। और चलिए भाई अभी आपको हम दिखाते हैं दरभंगा का रेड फोर्ट, जो कि लाल किला एक दिल्ली में अभी है और यहाँ दरभंगा में है, जो कि मिथिलांचल है भाई दरभंगा महाराज का किला के अंदर भाई। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं रेड फोर्ट, वो भी दरभंगा में। और ये देखिए भाई, एकदम आपको लग रहा होगा यहाँ से रेड फोर्ट जैसे, जैसे दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसी का जैसे सेम लग रहा है, लेकिन ये भाई जो है दरभंगा में है। वो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल लग रहा है कि लाल किला है, लेकिन ये लाल किला भाई सोचिए दरभंगा में है। और कोई कंफ्यूज हो जाएगा अगर आएगा पहली बार, क्या अरे यार ये तो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेड फोर्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई, एकदम देखिए पूरा वहाँ से बना हुआ है, काफ़ी लंबा है भाई। बशर्ते यहाँ पे सिर्फ ये उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है लाल किला का, बाकी पीछे कुछ नहीं है, टाउन है कोई शहर है। और ये भाई दरभंगा महाराज का इंद्रपुरी हो गया भाई, या इंद्रलोक कह सकते हैं भाई। इसमें नृत्य होता है भाई। और भाई ये रही दरभंगा महाराज का स्टैचू भाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई, जो कि वाइट से पूरा एकदम POP द्वारा बनाया गया है भाई। यहाँ से देखिए भाई, जूम करके आपको भी दिखा रहे हैं, जो कि मुख्य चौराहे पे बना हुआ है भाई, और इसके अंदर है भाई पूरा यूनिवर्सिटी किले के अंदर। और यहाँ से गेट हो गया एंट्री द्वार होगा, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं। और भाई एक बात और भाई, वो जो आप रेड फोर्ट देखे थे वो जो है ना भाई लाल किले से भी ज़्यादा ऊँचा बनाया गया है भाई। और लोगों का कहना है जो लाल किला है उससे भी ज़्यादा यह जो है ना भाई प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट जो है ना उस पर ध्यान नहीं दिया, इसी कारण यह रियासत जो है ना नीचे दब गया भाई। और लोगों को कहना है कि अगर यहाँ पे सरकार ध्यान देते उसको तो यह भी काफ़ी फेमस होता भाई, दिल्ली में जैसा लाल किला है उसी के जैसा भाई। और भाई यहाँ पर भी पर्यटन स्थल मुख्य भूमिका में दरभंगा में रहती भाई, जो कि यहाँ का गवर्नमेंट उतना बिहार में खास ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे भाई, और छोड़ दिया वैसे ही जो आप देखे थे ऐसा एकदम लग रहा था खंडहर जैसा भाई। और वहाँ जो है ना भाई लोगों का भी शिकायत था कि वह ऊंचा जो बना दिया ना भाई, तो धूप जो है उसका घर में भाई, जिसका घर उस साइड से है भाई, उसका घर में धूप ठीक से नहीं जा रहा था, इसी कारण जो है ना केस वगैरह भी उस पर कर दिया गया कोर्ट में भाई। लेकिन अदालत का फैसला यह हुआ भाई कि उस पर रोक लगा दिया गया, जहाँ तक बना था वहीं तक पे सीमित कर दिया गया भाई, और आगे का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। 240 एकड़ में फैला यह यूनिवर्सिटी भाई 1972 में ही दान कर दिया गया था भाई, जितना भी महाराज दरभंगा का किला था भाई सब कर दिया गया था दान में भाई। 1976 में ललित नारायण के द्वारा यहाँ पे
इस मिथिला यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ भाई, जो कि स्थापक ललित नारायण ही है भाई। दरभंगा में अब भी इस समय भी कोई महारानी रहती है जो कि महाराज कामेश्वर सिंह के ही फैमिली से बिलोंग करती है भाई, जो कि अभी भी उसका महल एक बना हुआ है इस यूनिवर्सिटी के पूर्वी ओर से भाई। उसमें अभी भी बोला यहाँ के आदमी कि इसमें अभी भी रहती है कोई महारानी भाई। सो काफ़ी दिलचस्प ये भी है, यूनिवर्सिटी देखने में काफ़ी भव्य लग रहा है भाई, जो आप देख सकते हैं। और भाई ये जो आप देख रहे हैं जितना भी एरिया, ये उस समय में 84 एकड़ में भाई बना हुआ था पूरा महल भाई, जितना भी किले थे भाई। और 1962 में आकर भाई जो है दरभंगा महाराज की मृत्यु हुई, और कहा जाता है कि 1950 में उस समय में भाई लमसम में 20वीं शताब्दी में भाई उस समय में 500 करोड़ की संपत्ति थी दरभंगा महाराज के पास, जो कि अंग्रेज आए काफ़ी लूटपाट भी किए यहाँ पे आकर। फिर देखिए भाई ये बोल लेने के लिए इसे आ गया, दो बार दिया है उसको भाई कहाँ है, एक बार इसको भाई देखिए बोल दे दिए, फिर बोल मांग रहा है कहाँ। और देखिए भाई ये लाइब्रेरी हो गया, इसके अंदर भाई उसका बॉल घुस गया, दो बार भाई उसको बोल दिए हैं तभी से आ रहे हैं। इधर आए, देखिए भाई बल्ब तो दिख ही नहीं रहा, इधर आए किधर आए, यहाँ देखिए भाई ऐथे है बोल भाई ऐथे और इस साइड भाई देखिए हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी का लाइव लेडी। और देखिए भाई बॉल उज है ना भाई, स्टेडियम है उसके अंदर जो भाई है, शायद कौन स्टेडियम नाम है जो कि अभी बताते हैं आपको, स्टेडियम का नाम बहुत अच्छा नाम है, स्टेडियम का क्या नाम है हो, स्टेडियम का नाम नागेंद्र झा स्टेडियम। और भाई इसमें अभी फिलहाल में कोई बड़ा सा टूर्नामेंट भी हुआ था भाई, और ये स्टेडियम है भाई नागेंद्र झा स्टेडियम। सो भाई कैसा लगा महाराज दरभंगा का किला देखने में भाई, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी भी भाई, कमेंट करके नीचे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, गुड बाय, जय हिंद।